एक पैन में मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, उसमें मैंने 4 टमाटरों को इस तरह से काट कर डाल दूंगी। टमाटर के साथ ही मैंने मटर को छील लिया है तो उसे भी डाल देते हैं और इन्हें भी साथ में उबाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। मटर भी पक चुके हैं, टमाटर का छिलका भी निकलने लगा है तो इन्हें हम अच्छी तरह से ठंडा कर देते हैं। उबले हुए टमाटरों को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। इसी के साथ खरबूजे के बीज को मैंने भिगो दिया था, उसे भी डालकर एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। एक पैन को हम गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है तो जीरा डाल देंगे। जीरा लाल हो चुका है तो जो हमने टमाटर प्यूरी बनाया था ना उसे डाल देते हैं। ग्रेवी के साथ ही हम मसाले डाल देंगे, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी जितनी तीखी खानी हो उस हिसाब से मिर्च का पाउडर। मसाले में तेल कम है इसलिए मसाला आपको तेल नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लगने लगा है तो हम समझ रहे हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। कटे हुए मशरूम डाल देंगे। मशरूम को देखते हुए नमक डालेंगे क्योंकि हमने मटर में भी नमक डाला हुआ है। 2 मिनट हमने मशरूम को भी भून लिया तो मशरूम पानी छोड़ने लगा है, तो इसी के साथ हमने जो मटर उबाला था ना तो पानी के साथ हम डाल देते हैं इसमें, जिसमें टमाटर का भी थोड़ा सा अंश आ गया है। ढक देते हैं जब तक कि मशरूम पूरी तरह से पानी नहीं छोड़ देता। मशरूम ने भरपूर पानी छोड़ दिया है तो इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। क्रश करते हुए कसूरी मेथी डालेंगे। मशरूम मटर मसाला हमारा रेडी हो चुका है, जो बिना लहसुन प्याज का बना है और बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार हमारा सब्जी बना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।